गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे हम शक्ति, शक्ति की परिभाषा, शक्ति का सूत्र, शक्ति का मात्रक, शक्ति है क्या। हम बात कर रहे थे किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र भी आपको बताया था कि शक्ति बराबर कार्य होते समय होता है, कार्य और समय के अनुपात को भी शक्ति कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इकाई समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत शक्ति मीन्स इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर? अभी हम केवल पावर की बात कर रहे थे, अब मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, यहां विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पावर है क्या। विद्युत क्षेत्र में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और जब हम केवल कार्य पढ़ रहे थे तो तब मैंने ये कहा होगा कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की दर विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर शक्ति है। लेकिन यदि वो कार्य विद्युत क्षेत्र में किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाए, तो वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी, वो विद्युत शक्ति कहलाएगी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं विद्युत शक्ति की, कि यांत्रिक जो शक्ति की तरह ही विद्युत शक्ति भी कार्य करने की दर से ही मापी जाती है, और विद्युत शक्ति का मात्रक भी वाट होता है। लेकिन वाट जो शब्द है सामान्य भाषा में विद्युत शक्ति उपयोग किया जाता है। यदि कूलाम एक आवेश हो, यदि क्यू कूलाम का एक आवेश 30 सेकंड में समय में बी वोल्ट वेव से गुजरता है तो पी बराबर होता है कार्य बटे समय, और डब्ल्यू जो है किया गया कार्य वो होता है वी क्यू। क्योंकि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें आवेश प्रवाहित होता है समय के साथ, और उस समय उसके सिरों पर विभवांतर भी होता है। तो हम वहां पर उसको P बराबर W बटे T को VQ बटे T से भी निकालते हैं। तो यहां मैं आपको परिवर्तन समझाऊंगा। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के जो रूपांतरण की दर है उसको शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति सामान्यतः विभिन्न बिजली संयंत्र विद्युत चरित्रों में ठीक है। तो यहां मैं इसको विभिन्न प्रकार से आपको बताऊंगा। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक परिभाषा और लिखो, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं। P से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है।
अब एक ऐसे बार इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो पहले हम इसका सूत्र और पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति बराबर सूत्र क्या होगा, देखिए विद्युत शक्ति बराबर विद्युत परिपथ में किया गया कार्य, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बटे लगा समय। किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बटे लगा समय, इससे भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। ये सूत्र है विद्युत शक्ति का। अब इसको मैं सिंपल में व्यक्त करता हूं कि विद्युत शक्ति पी बराबर किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर लगा समय पी होता है। ठीक है, तो यहां विद्युत शक्ति का सूत्र आया पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो बेटा सबसे पहले परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र में या विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, परिभाषा ये या कोई भी लिख देना है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण को विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को देखो किससे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, विद्युत शक्ति को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। और विद्युत शक्ति का सूत्र देखो आपके सामने, विद्युत परिपथ में किया गया कार्य बटे लगा सब। ठीक है, तो P बराबर क्या हुआ, W बटे T। P बराबर W बटे T एक। हाँ देखिए बेटा, तो P बराबर क्या हो रहा है, डब्ल्यू बटे टी। अब किसी जो विद्युत परिपथ में जो आवेश है, विद्युत परिपथ में जो आवेश है डब्ल्यू, वो क्या है? तो हम ये कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ का आवेश है क्यू। क्या है? किसी विद्युत परिपथ का आवेश क्या है, क्यू है। तो नीचे लिखो दिया, विद्युत परिपथ में आवेश क्यू। ठीक है, विद्युत धारा आई, आप इसको पूर्ण करेंगे तो धारा को आई करेंगे, समय टी, समय टी हो तो, समय टी हो तो उसका विभवांतर क्या होगा, वी। विभवांतर वी। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो डब्ल्यू बराबर एक सूत्र निकलता है वी क्यू। डब्ल्यू बराबर सूत्र निकला वी क्यू। ठीक है, अब वी क्यू क्या है, W यहां पर कार्य है, V यहां पर विभवांतर है और Q आवेश है। इस मान को हम यहां रखेंगे, तो देखो हम P बराबर W बटे T, W बराबर आप जानते हैं V Q। V
बटे थ्री। ठीक है, अब यहां से देखो मान निकल रहा है, यहां से P बराबर डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू बराबर डी क्यू बटे टी, तो V जो निकला है तो यहां पर Q बराबर यानी I बराबर देखो फॉर्मूला निकलता है क्यू बटे टी, तो Q बराबर क्या होगा आई डी, Q बराबर क्या आएगा आई डी आएगा। तो यहां पर यदि इस फॉर्मूले को मैं सेट कर दूं एक बार, V बराबर क्या बनेगा V Q की जगह लिखूंगा आई पी बटे टी, टी से टी कट जाएगा, जब टी से टी कटा तो बचा क्या P बराबर वी आई। तो यहां पर शक्ति का एक और फॉर्मूला आ जाता है P बराबर वी आई, मीन्स विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता गुणा विद्युत धारा। ठीक है, इस तरह हम इस विद्युत शक्ति को वोल्टता गुणा धारा से भी निकाल सकते हैं। तो यहां मैंने आपको सूत्र बताया कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र है P बराबर हुआ P आई, तो विद्युत शक्ति बराबर वोल्टता गुणा विद्युत धारा निकला। अब इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है वाट। और देखिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये तो छोटा मात्रक है वाट, बड़ा मात्रक क्या होगा, जैसे आपने बड़ा लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर पढ़ लिया, शक्ति का मात्रक वाट पढ़ लिया, कार्य का मात्रक जूल पढ़ लिया, बल का मात्रक न्यूटन। तो इसी तरह राशियों के मात्रक होते हैं, कार्य का मात्रक जूल, बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर। तो विद्युत शक्ति का जो बड़ा मात्रक है, विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक किलो वाट मेगावाट और अश्व शक्ति होता है। ठीक है, तो एक किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट, और 1000 वाट को हम ले सकते हैं 10^3 बार। ठीक है, एक किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट, और 1000 वाट को लिखेंगे 10^3 बार। 1 मेगावाट बराबर होता है 10^6 बार, और 1 अश्व शक्ति, अश्व शक्ति कहते हैं हॉर्स पावर को, जैसे हमारे इंजन है, मोटर है, गाड़ियों के इंजन है, उनको हॉर्स पावर में नापते हैं। हॉर्स पावर कहते हैं घोड़े की शक्ति, और 1 हॉर्स पावर होते हैं 746 वाट। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट। जैसे कोई इंजन 10 वाट का है, 10 हॉर्स पावर का है, तो 10 हॉर्स पावर को इससे गुणा कर दो तो उसका वाट आएगा 7460 वाट। ठीक है, तो इस तरह हम उनको निकाल सकते हैं। इन सभी मात्रकों के द्वारा हम शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां आज के वीडियो में आपने बात की विद्युत शक्ति के मात्रक, विद्युत शक्ति की परिभाषा और विद्युत शक्ति की परिभाषा, सूत्र और मात्रक। यहां बेटा कुछ जो सवाल सूत्र आए उन्हें ध्यान रखना कि P बराबर डब्ल्यू बटे टी, इससे भी सवाल होते हैं। एक सूत्र आता है P बराबर P आई, इससे भी सवाल होते हैं।
एक सूत्र आपने कल पढ़ा था p बराबर mgf बटे p, इससे भी सवाल था। तो इन सूत्रों को ध्यान रखना क्योंकि ये चैप्टर 7 नंबर का है, छोटा सा चैप्टर है 4 दिन का, तो आप अपनी फीस को कर लें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अगले टॉपिक शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।